राम राम साथियों, आप सभी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे क्या औकात कि जिसने हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा की हो हम उनके प्राणों की प्रतिष्ठा कर सके, लेकिन फिर भी बात जब धर्म की आती है, बात जब हमारी आस्था की आती है, तो हम वहां पर थोड़ा सा स्वार्थी बन ही जाते हैं। हजारों सालों पुराना सपना, बरसों पुराना सपना, सैकड़ों सालों पुराना सपना अभी हमारा सच्चाई में परिवर्तित होने वाला है। हम और आप बहुत वर्षों से सोच रहे थे कि जहां पर श्री राम खाए, खेले, फले, फूले, जन्म लिया, वहां पर हमारे राम को इस तरीके से याद किया जाए, जब हम वहां जाए तो एक अलग सी वाइब्स आई, वो पॉजिटिव वाइब्स कि भगवान श्री राम, जिनका कहना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो श्री राम जिनका कहना था कि मात पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, वो श्री राम जिनको हम पढ़ते हैं जब हम रामायण पढ़ते हैं, जिन्होंने जब राजपाठ की बारी आई, जब राज तिलक की बारी आई तो वनवास का मुंह देखा। जब बारी आती है यदि हम गिनवाने लगते हैं, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे महापुरुषों से हमें सीख लेनी चाहिए, तो हम गिनवाते हैं भगवान श्री राम का उदाहरण। और आज के बच्चों में यदि आज मनुष्य डरता है तो सिर्फ एक चीज से डरता है कि यदि बुरे कर्म करेगा तो ऊपर जाकर के उन कर्मों का आपको भुगतान करना पड़ेगा। यदि आज मनुष्य डरता है बुरे कामों से तो वो इसलिए डरता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे सामने आएंगे। आज भी जब हम किसी के सामने जाते हैं तो राम राम करते हैं, आज भी जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। इसीलिए ये ऐसा शुभ अवसर, ये ऐसा शुभ दिन, इस वीडियो के बाद बहुत सारे साथी मुझे ये भी कहेंगे कि आप तो ऐसे नहीं थे, हमने तो आपको ऐसा नहीं देखा था, लेकिन जहां पर हमारी आस्था का सवाल होता है वहां पर हम 0.1% स्वार्थी बने जाते हैं। मेरी और आपकी आस्था का विषय है, बुरी चीज नहीं है। सब लोग अपने धर्मों का प्रचार प्रसार अपने अपने तरीके से करते हैं, सब लोग अपने धर्मों के बारे में इतना खुल करके बोलते हैं, सब लोगों को अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के अंदर कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कीजिए, और सब लोग कहते हैं कि यदि बनना है तो भगवान राम जैसा बनिए, जिन्होंने कहा था कि माता ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मात्रिक जीवन का हिस्सा है, यदि आप मुझे पूरी उम्र भी वनवास के लिए बोल देते तो मैं कदापि बुरा नहीं मानता। ऐसे भगवान श्री राम के प्राणों की प्रतिष्ठा, एक मंदिर का ऐसा एक शुभारंभ, हमारा एक ऐसा मंदिर हमारे सामने कि जब भी हम अयोध्या जाएंगे तो राम की सुगंध को साथ लेकर के आएंगे। हमें हमारे लिए ये एक अभी एक एग्जाम्पल होगा, एक ऑप्शन होगा, जब विदेशी अयोध्या आएंगे तब हम उनको विजिट करवाएंगे कि इस अयोध्या के अंदर पूरे हमारे देश के अंदर भगवान तक जन्म लेते हैं। आप सभी को पुनः बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए इस पल को एंजॉय कीजिए। इस पल के खिलाफ बोलने से अच्छा है, क्योंकि आप और मैं बड़े मन से चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए तो हमारे श्री राम के हक में आए। नमस्कार। राम राम।